नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। कुपोषण को खत्म करने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा नवीन जनपद पंचायत भवन कुरबाई विदिशा में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें भोपाल कमिश्नर ने भाग लिया। कमिश्नर के द्वारा बच्चों को कुपोषण से बचाने और कुपोषित बच्चों को देने जाने वाले पौष्टिक आहार की जानकारी के साथ ही पौष्टिक आहार किट वितरित किए गए। कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य विभाग, आयुष विभाग और स्थानीय निकाय के राजस्व विभाग द्वारा चलाए जा रहे संयुक्त प्रयास को लेकर चर्चा की गई। मीडिया से बातचीत करते उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ने बाल कुपोषण को खत्म करने के लिए, उन्हें सामान्य जीवन जीने के लिए तैयार करने के लिए यह अभियान चलाया है। इसके तहत पोषण आहार और अन्य प्रक्रिया के बारे में जानकारी देने के लिए इस प्रकार की कार्यशालाएं आयोजित कराई जा रही हैं। अधिक जानकारी के लिए आइए देखते हैं विदिशा कुरबाई से हमारे रिपोर्टर आशीष सहेले की ये रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। देखो, हमें दिन में 7-8 बार भोजन थोड़ा थोड़ा अल्प आहार करा के करना है, और ये आहार भी अलग अलग समय में। स्थिति में बच्चे के शरीर पर जो कुछ भी कीटाणु होंगे वो सब कीटाणु नष्ट हो जाएंगे। फिर उस बच्चे को अच्छी तरह रगड़ करके पोंछा जाए, बाल उसके छोटे हो उसमें। समझ लीजिएगा, डॉक्टर बाहर बैठे। कुपोषण एक लंबी लड़ाई है। ये सिर्फ बच्चे के जन्म से नहीं, बच्चे के जन्म के पहले से इस विषय की भूमिका रची जाती है। जब किशोर व बालिकाओं का स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा, अर्ली मैरिजेस होंगी और बच्चों के जन्म में अंतराल नहीं होगा, तो बाल कुपोषण की स्थिति निर्मित होने की संभावना बढ़ जाती है। लंबे समय की इस लड़ाई की शुरुआत हो चुकी है। आंगनबाड़ी केंद्र पर किशोर व बालिकाओं के स्वास्थ्य परीक्षण स्वास्थ्य विभाग की मदद से किए जा रहे हैं। बाल विवाह पर प्रभावी नियंत्रण किया जा रहा है, जिसके कारण ये स्थितियां जब नहीं होंगी तो आगे आने वाले समय में बाल कुपोषण नहीं होगा। अभी जो तात्कालिक रूप से जो बाल कुपोषण की समस्या है, हम पूरी तरह से आशान्वित है। हमारा मैदानी अमला पूरा सक्षम है और उनके समन्वय में कोई कमी नहीं है। ऐसी स्थिति में आगामी 4 सप्ताह के अंदर हम इस पूरे जिले को बाल कुपोषण से मुक्त करेंगे। शासन ने 14 नवंबर 2021 तक प्रदेश को बाल कुपोषण से मुक्त करने का संकल्प लिया है, और इसी के अंतर्गत संभाग के सभी जिलों में सभी विकासखंड स्तर पर हम एक उन्मुखीकरण कार्यशाला आयोजित कर रहे हैं, जिसके अंदर कुपोषित परिवार के अभिभावकों को, पोषण मित्र को और विभिन्न विभागों के जिनको सहयोगी की भूमिका निभाना है, उस हमले को साथ में बिठा करके एक साथ ऐसी कार्य योजना तैयार कर रहे हैं जिससे कि हम सब मिलकर के ऐसा प्रयास करें जिससे अगले 14 नवंबर से पहले हम अपने संभाग को बाल कुपोषण के दंश से मुक्त दिला सकें।